राजा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। जल्दी करो, पेड़ पे चढ़ जाओ, भागो, अरे भागो। दोनों बेहोश हो गए हैं बेचारे। अजीब आदमी है, इतनी जल्दी घबरा गए। क्यों ना हम इन्हें पानी में गिरा रहे अकड़ू। अकड़ू पकड़ो, क्या कर रहे हो, ये हंसने का समय नहीं। हाँ बुरी बात है, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे ठंडे पानी से निकले हों। बदमाश मुगली को पकड़ने चले थे। ठीक है अब चलो, मुगली इंतजार कर रहा होगा। अंधेरा होने के पहले मैं गांव नहीं जा सकता। क्यों ना मैं एक चक्कर लगा कर आऊँ मोगली। लेकिन चीकी, गांव में जाना बहुत खतरनाक है। तुम्हारे लिए खतरनाक है, गांव वाले तुम्हें देखेंगे तो जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन मैं तो वहीं रहता हूँ, मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये बात तो है। मुझे सिर्फ घनश्याम से बचना होगा, क्योंकि मैंने उसके सांप को हराया था। क्या सांप से लड़ना मुश्किल नहीं होता चीकी? अरे नहीं, सांप को हराना तो मेरा शौक है। तो बलदेव को भी हरा दो। देखना मोगी, मुझे गांव में कुछ नहीं होगा। ठीक है जाओ, देखो राधा और उसके परिवार को कहाँ छुपाया हुआ है, मालूम पड़ते ही बताना आकर। ठीक है मोगी। सावधान रहना, मुझे कुछ नहीं होगा, वहीं मिलेंगे मोगी। संभल कर चीकी। देखता हूँ, भोला और उसका परिवार यहाँ तो नहीं है। वो क्या हो रहा है? साथियों पहले मेरी बात सुनो, लकड़ियाँ काफी हो चुकी हैं, अच्छी तरह जलेंगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। हरमोहन जी, है? वो बलदेव अभी तक नहीं आया, क्या उन्हें ढूंढने के लिए आदमी भेज दे पहलवान जी? नहीं बिल्कुल नहीं, बलदेव और लल्लन पुराने शिकारी हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जंगली लड़के के पीछे हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक लड़का है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ना उन्हें कुछ नहीं होगा,
कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा, समझे? ठीक है पहलवान जी, आप मुखिया हैं, जैसी आपकी मर्जी। काश वो दोनों ठीक ठाक हो। चलो साथियों, अपना काम पूरा कर लो। सुना है आजाद पहलवान बोला कि परिवार से अपना स्वीकार करवा लेगा। हाँ, उन्होंने दो जगह आग जलाई है, बड़ा मजा आएगा। आज बहुत जबरदस्त तमाशा होगा। मुझे तो विश्वास नहीं होता आज तक मैं ऐसे अपराधियों के बीच रहते रहे। बोला का परिवार बिल्कुल निर्दोष है। तुम जरा धीरे बोलो माला, कई पहलवान सुन न ले। वो निर्दोष नहीं, कसूरवार है। उन्होंने जंगली लड़के को अपने घर में रखा, वो अपराधी है। हाँ हाँ, सारा परिवार अपराधी है। हाँ हाँ, उन्हें अपना अपराध स्वीकार करना ही होगा। मेरी बात सुनो, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। पहलवान भोला के परिवार से क्यों जबरदस्ती कर रहा है? शायद कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। देखो, ऐसी बातें मत करो। पहलवान बहुत बड़ा आदमी है, अगर हम उसका साथ देंगे तो हमें इनाम मिलेगा, और अगर साथ नहीं देंगे तो वो हमें बर्बाद करके रख देगा। बगीरा, कैसे हो मोगली? ठीक हूँ बगीरा। क्या योजना बनाई है तुमने? आज ही रात को बचाना होगा। क्या तुमने बलदेव को देखा है? हाँ उसने और उसके दोस्त ने भी बेहोश होने से पहले हमें देखा। लेकिन पकड़ू, तुमने उन्हें मारा तो नहीं? हमने छुआ तक नहीं, दोनों ने हमें एक नजर देखा और बेहोश हो गए, है ना? ठीक। हाँ सच पूछो तो मोगली, वो हमारी चिल्लाहट और गुर्राहट सुनकर डर गए। वो इतने घबरा गए कि डर के मारे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। इधर देखो, मानो कि ये एक पेड़ है और वो दोनों उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने डरपोक थे कि कमजोरी के मारे नीचे गिर गए। तो क्या उस समय उनके हाथों में बंदूकें नहीं थी? हाँ, उस वक्त उनके पास बंदूकें नहीं थी, डर के मारे नीचे गिर गई थी। जब वो पेड़ से नीचे गिरे, उन्होंने हमें देखा और बेहोश हो गए। अब तक तो उनकी बेहोशी भी टूट गई होगी, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने गांव की तरफ का रास्ता पकड़ लिया होगा। चलो कुछ देर के लिए अब हमें बलदेव को भूल जाना चाहिए। उसके दोस्त को भी, वो काफी डर गए हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर अकड़ू पकड़ू और मैं जल्दी में न होते तो उन्हें ऐसा सबक सिखाते वो हमेशा के लिए शिकार करना भूल जाते। हाँ? मैं जानता हूँ कौन है वो, बहुत ठीकी है। तुम ठीक तो हो ना चिक्की? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खबर है। कैसी खबर? भोला का परिवार पहलवान के कब्जे में है। वो सब ठीक तो है ना? लेकिन कमजोर है। शुक्रिया चिक्की। रात होने तक यही इंतजार करते हैं। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं मोगली। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, वहाँ बहुत खतरा होगा जहाँ मनुष्य रहते हैं। Thank you.
देखो वहाँ आग जल रही है। तब तो सारे गांव में रोशनी होगी। तुम चिंता मत करो, रोशनी सिर्फ चौपाल पे होगी। मैं और चीकी बच के निकल जाएंगे। ठीक है, धुएं से ऐसा लगता है दो जगह आग जली है और दोनों ही जबरदस्त हैं। हाँ ठीक है, आग दो जगह है, लेकिन हमें आग से डरना नहीं चाहिए। अगर हम चौपाल के पीछे से गए तो हमें कुछ नहीं होगा। अब चाहे आग हो या तूफान, मैं राधा के परिवार को बचाने जा रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ शुक्रिया। अब चले मोगली। बहुत गुस्से में है। सुनो बगीरा, पहले मैं और चीकी गांव जाएंगे, जरूरत पड़ी तो तुम सबको भी बुला लेंगे। तो ठीक है, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो हमें इशारा कर देना, समझे? चले चीकी। वो तो गिर गया। हाँ? हाँ? गलती हो गई। बोलो बलदेव, तुम ये कहना चाहते हो कि भोला की सारी जायदाद तुम हड़प लोगे और कहोगे कि सब कुछ तुम्हारा है, क्या वो कबूल कर लेंगे? बहुत आसान है लल्लन, वो खुद कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो मैं जानता हूँ कि मुझे उनके साथ क्या सलूक करना है। आखिर बलदेव कहाँ है? वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उम्मीद है उन्होंने जंगली लड़के को पकड़ लिया होगा। सबसे बड़ी बात, हमें उस बदमाश को सबक सिखाना है। बहुत जरूरी है उसे सबक सिखाना। रास्ता साफ है, चलो। आग की लपटें देखो तो, बड़ी भयंकर है ना? अरे जल्दी करो, सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं। आ रही हूँ। चीकी चीकी, तुम ठीक तो हो ना? क्या लगा था मुझे? दरवाजा लगा था बेवकूफ, कितनी हैरानी की बात है, शाम को हरा सकते और दरवाजे से मार खा गए। वो दीवार देखने आ गए। हाँ यहाँ तक तो पहुँच गए, अब थोड़ी दूर और जाना है। ठीक है चलो। Thank you.
अरे ये कौन सा जानवर है? अच्छा तुम इसे नहीं जानते? ये नेवला है। आओ नेवले, ऐसे खड़ा है जैसे सांप से लड़ना हो। अरे पकड़ो पकड़ो ना। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा हाथ तो पकड़ो। अरे यही मजा है। हाँ अरे अरे देखो कहीं काट ना ले, इसके दांत बड़े तेज होते हैं। शाबाश चीकी, अब मेरी बारी है। काबू में ही नहीं आता, क्या कूदी मारता है ले। अरे क्या बात है। अरे मोगली, अरे नेवले भैया तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? अरे इधर आओ जरा, अरे यहाँ आओ प्यारे नेवले। अरे अरे राधा, माँ हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो? इधर आओ बदमाश नेवले। ठीक ही है ना? और चाहिए तो कूद कर ले लो। और कूदो, इसका तो एक से ही पेट भर गया। शाबाश शाबाश, तुम पहले से ज्यादा अच्छा कूद सकते हो। ठीक है प्यारे, देखते हैं तुम वाकई कूद सकते हो। दोबारा। हाँ ओ सांप पर दया आती है, तुम्हारे रास्ते में गुजर रहा है ना। अरे गुस्सा आ गया। शाबाश शाबाश, फिर से कूद के ले। हाँ अरे वाह, अरे पकड़ लिया इसने तो। बड़ा होशियार नेवला है। हाँ तुम्हारा खाना खा गया ना इसलिए। इसकी किस्मत में लिखा था। मोगली का कुछ पता नहीं, क्या कर रहे हैं वो दोनों? धीरज रखो अकड़ू। धीरज रखूं? कैसे धीरज रखूं? वो मनुष्यों के गांव में बिल्कुल अकेले हैं। कहा ना धीरज रखो, पूरे परिवार को निकालने में समय लगेगा। तुम धीरज रख सकते हो बघेरा, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो मोगली की बड़ी चिंता हो रही है। तुम क्या समझते हो पकड़ू, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। हाँ अरे सुनो बघेरा, हमें मोगली के इशारों का यही इंतजार करना था। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम कहीं जाना मत। मोगली, मेरा एक भाई राजनगर में रहता है, हम सब उसके पास चले जाएंगे। देख लो पूरे वक्त में अपना ही खून साथ देता है मोगली। देखो मोगली, यहाँ से निकलने से पहले हो सके तो हमारे लिए कुछ खाना ला दो। बहुत भूख लगी है, पिछले दो दिन से हमने कुछ नहीं खाया मोगली। राधा की हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई है वो। भूख के कारण हमारी हालत खराब है मोगली, बिना कुछ खाए पिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं समझ रहा हूँ दादाजी, मैं पहले आप सबके लिए जाके खाना ले आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जीते रहो मोगली, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं बस गया और आया। नहीं नहीं मोगली मत जाओ, खाना लाने में खतरा भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि गांव वाले तुम्हें भी कैद कर ले। चलो मोगली यहाँ से निकल चले। तुम बहुत कमजोर हो राधा, जब तक कुछ खाओगी नहीं कैसे चलोगी? नहीं मोगली, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हारी जान खतरे में डालकर मैं कुछ नहीं खाना चाहती। राधा। ओ मेरी बच्ची। Oh, 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 oh
सबसे पहले मुझे मोगली को ढूंढना होगा। आह, कितनी आग जला के रखी है इन लोगों ने। धुएं के कारण मोगली की गंध महसूस नहीं कर रहा हूं मैं। हुँ?